नमस्कार, स्वागत आपका। मैं संतोष कुमार पार्थ इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है धर्मेंद्र जी। इनसे जानेंगे कई चुनाव, पहले जानते हैं कई सवालों में कि नगर परिषद का चुनाव हो रहा है मुख्य पार्षद पद के लिए, उप मुख्य पार्षद के लिए एवं वार्ड पार्षद के लिए, बताइए क्या राय है आपकी? इस बार डायरेक्ट चुनाव है मुख्य पार्षद उप मुख्य पार्षद का। देखिए, ये तो हमारी चुनाव आयोग की नीति है कि वो पिछले बार क्या हुआ था कि सिर्फ मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद का जो वार्ड पार्षद जीते हुए थे वही चुनाव करवाते थे। लेकिन चुनाव आयोग का क्या दिमाग में आया जो कि डायरेक्ट मुख्य पार्षद को जनता के द्वारा चुनने की मतलब ये बना ली। इसका तो क्या बेहतर है या पहले वाला ठीक था? नहीं, बिल्कुल बेहतर है, इसलिए कि पहले जो मुख्य पार्षद का चुनाव होती थी उसमें वार्ड पार्षद चुनते थे, अब डायरेक्ट जो जनता चुनती है तो जनता को जो अच्छा लगेंगे, जो जिन पे पूर्ण रूप से भरोसा होगा जनता का कि नहीं मेरे साथ खड़ा रहेंगे, उन्हीं को मुख्य पार्षद का निर्वाचित करेंगे जनता। बताइए कि अब चुनाव हो रहा है, वैसे में सभी प्रत्याशी जोर शोर के साथ लगे हुए, क्या लगता है कि कौन बेहतर प्रत्याशी होगा आपके नज़र में? देखिए, सबसे बहुत बड़ी बात तो यह है कि जो सारे प्रत्याशी, जितने भी प्रत्याशी हैं, सब सारे जोर शोर से लगे हुए रहेंगे क्योंकि सबका अपना अपना चुनाव है। लेकिन बात रह गई कि सबसे अच्छे प्रत्याशी के रूप में हमें अब तक धनंजय कुमार, जो कि छात्र नेता रहे, छात्र नेता से युवा नेता है, अब वो राजनीति में मुख्य पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं, और इनसे अच्छा नेता मुझे कोई हिलसा नगर परिषद में कोई दिख नहीं रहा है। क्या कारण है? ये कारण यह है कि छात्र से लेकर आज तक जितने भी जनता का सेवा बना, ये मुस्तैद के साथ खड़ा रहकर सारी जनता का सेवा किया, छात्र का सेवा किया, युवाओं के साथ खड़ा करके रह के सेवा किया, अब इन्हें बारी है प्रत्येक जनता की सेवा करना, जिसके लिए मुस्तैद से खड़ा है। आप माहौल को गम रहे हैं, पूरा भ्रमण कर रहे हैं, क्या लगता है कि सिचुएशन जो डायरेक्ट चुन कर आएगा जो पहले वाला से कितना बेहतर होगा? बहुत बेहतर होगा। पहले था कि भाई वार्ड पार्षद चुनते थे तो उन्हीं का बात चलता था, लेकिन अब जो है जनता चुनेगी, इसलिए जनता की बात चलेगी, जनता का बात सुना जाएगा। पहले जनता की बात मुख्य पार्षद नहीं सुनते थे। अब ऐसा नहीं लगता कि मुख्य पार्षद में होड़ ज़्यादा हो गया और वार्ड सदस्य में कम हो गया है? देखिए, अब ये तो कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड करता है, लोगों को मन में ये इच्छा होती है। वार्ड में ज्यादा भीड़ रहता था, 10 को 12 को एक वार्ड में, अब 2-3 आ गया, अब मुख्य पार्षद नहीं। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। वार्ड में भी आज हम तो घूम रहे हैं क्षेत्र में, तो देख रहे हैं कि 8 को 10 को 5 को से ऊपर ही सब है, नीचे नहीं है। अब तो नगर परिषद का अगर कोई मुख्य पार्षद जीता है या मुख्य पार्षद, क्या लगता है कि सर्वांगीण विकास हो पाएगा? बिल्कुल सर्वांगीण विकास होगा, अगर धनंजय जी जैसे नेता रहे तो बिल्कुल पूर्ण रूप से निष्पक्ष रूप से विकास होगी हिलसा की, एक एक बिंदु पे विकास होगी, ये हम नहीं पूरे हिलसा की जनता की है। तो हिलसा का रुझान फिलहाल उनके तरफ से ज़्यादा? बिल्कुल बिल्कुल, धनंजय जी के प्रति रुझान है और जनता की ये उम्मीद है, आशा है कि धनंजय जी ही मुख्य पार्षद प्रत्याशी निर्वाचित होंगे।